क्या दिया है टू मोल्स ऑफ एन आइडल गैस फ्रॉम टू लीटर टू टेन लीटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो फाइंड आउट करना है तो देखिये स्टूडेंट यहाँ क्या है फर्स्ट सबसे पहले इसमें क्या गिवन है सबसे पहले यहाँ गिवन है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ठीक है नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है यहाँ टू ठीक है नंबर मोल्स कितने हैं टू तो टू मोल्स ठीक है आप लिखोगे टू मोल्स सेकेंड थिंग यहाँ क्या दिया है लीटर में क्या होती है वॉल्यूम होती है तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है फाइनल वॉल्यूम आपके पास क्या है 10 है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम क्योंकि इसने कहा है कि वॉल्यूम 2 से 10 हो गई है तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1, वो क्या है 2 लीटर ठीक है देन आपके पास क्या है फाइनल जो वॉल्यूम है वो क्या है वी है वो कितनी है टेन लेटर ओके नाउ टेम्परेचर भी गिवन है लेकिन टेम्परेचर जो यहाँ पर गिवन है वो किस में गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस में ठीक है यदि हम इसकी ऐसा यूनिट यूज करते हैं तो क्या होती है टेम्परेचर के कैलविन तो हम इसको कैलविन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 20 प्लस में 273 ठीक है ये आपके पास कितना हो जाता है दैट इज इक्वल टू 293, ठीक है ये आपके पास क्या होगा 293 नाइनटी अब आपके पास जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला हम यूज करते थे वर्क निकालने के लिए जिसको आप बोलते थे वर्क मैक्सिमम वो क्या होगा आपके पास वो क्या था टू पॉइंट थ्री जीरो चेंज किस में दिखाया है वॉल्यूम के अंदर तो वॉल्यूम क्या होती है वी टू बाई वी वन हो जाएगी सभी चीजें आपके पास यहाँ पर गिवन है तो आप इसमें क्या करेंगे वॉल्यूम जो है वैल्यूज बुटअप करेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ठीक है एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स कितने वैल्यू आपके पास कितनी होती है एट ठीक है वैल्यू कितनी है टेन और इनिशियल वॉल्यूम क्या है टू तो टेन बाई टू ओके फाइनली ये आपके पास क्या आता है जब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास वैल्यू कुछ आती है टू टू जीरो ऑफ फाइव यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फाइव से डिवाइड आ, हो जाएगा तो आपके पास क्या हो गया जो वैल्यू आती है वो आती है log फाइव की वैल्यू जो भी आती है दैट इज अप्रोक्स जीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन जीरो और जब हम वन वन टू टू जीरो और जीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन जीरो की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपके पास आती है सेवन एट फोर टू नाइन ठीक है वैल्यू जो वर्क डन होता हो किसमें मेजर करते हैं जूल के अंदर तो आप इसको लिख सकते हो ये जूल के अंदर है यदि किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 7.84 किलो जूल दैट वन इज द वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए जर ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन गैस आपसे क्या पूछा गया है कि आप वर्क डन फाइंड आउट कीजिए वर्क डन को फाइंड आउट कीजिए कब जब आपका रिवर्सिबल एक्सपेंशन शो कर रहा है ठीक है तो देखिए वर्क डन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं w जो आपको फाइंड आउट करना है कब यदि सिस्टम क्या है आइसोथर्मल है आइसोथर्मल मीन्स जब टेम्परेचर आपका आपके सिस्टम का क्या है

आइडल गैस को किसी सिस्टम के अंदर लेते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं एक पिस्टन लगाते हैं पिस्टन आपका यहाँ पर कैसा है फ्रिक्शन लेस पिस्टल है दिस वन इज फ्रिक्शन लेस पिस्टन है ठीक है अब यदि गैस क्या करती है रिवर्सिबल एक्सपेंशन शो करती है तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर जो आपके पास एक्सपेंशन होगा वो सिंगल जो स्टेप्स होंगे सिंगल स्टेप्स के अंदर स्लोवली होगा ठीक है धीरे धीरे स्टेप्स करते हुए वो क्या होगा आपके पास एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब जो आपके पास फाइनल पोजीशन है वो एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे सपोज कीजिए फर्स्ट टाइम जो आपके पास इनिशियल पोजीशन जो थी वो क्या थी ए पोजीशन मैंने डिनोट की पिस्टन की नाउ जब उसके अंदर स्म। थोड़ा स्मॉल चेंज हुआ थोड़ा एक्सपेंशन हुआ तो सपोज उसने जो पोजिशन अपटेंट की वो फर्स्ट पोजिशन अपटेंट की देन अगेन यदि और एक्सपेंशन होता है तो सेकेंड देन थोड़ा और एक्सपेंशन होता है देन थर्ड एंड फाइनली वो एक पोजीशन गेन करता है जिसको मैं बी बोलती हूँ ठीक है तो फाइनल उसने दो पोजिशन अचीव कर ली इनिशियल पोजीशन उसकी जो थी पिस्टन की वो और फाइनल पोजीशन वो अब ये जो फाइनल पोजीशन पिस्टन के थ्रू अचीव की गई है वो एक बारी में नहीं की गई है वो स्टेप्स के अंदर की गई है तो यदि आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है सिस्टम के अंदर वॉल्यूम वॉल्यूम ने वो volume जितनी एक्सपेंड हुई है वो क्या बताएगी आपके पास वर्क वर्क डन तो यदि आपको डन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे जो प्रेशर एक्स जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है उसको आप कहां पर कहा से कहा तक इंटीग्रेट कर दोगे वॉल्यूम इनिशियल अप टू वॉल्यूम फाइनल ठीक है तो इस तरह से आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो तो फर्स्ट थिंग्स अबाउट इट यदि इस केस में हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या क्या होगा भाई आपके पास प्रेशर इज इक्वल टू जो स्मॉल चेंज आपके पास हुआ है वो एंड एक्सटर्नल प्रेशर 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 एक्सटर्नल प्लस स्मॉल चेंज इन द सिस्टम्स तो यदि यहां से आप पी एक्सटर्नल फाइंड आउट करो तो पी एक्सटर्नल आपके पास क्या हो जाता है दैट विल बिकम्स पी माइनस डीपी वन थिंग अबाउट दिस प्रेशर नाउ अब क्योंकि प्रेशर थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा वर्क डन भी क्या होगा आपके पास स्मॉल होगा वर्क डन भी थोड़ा-थोड़ा होगा तो यदि वर्क डन थोड़ा-थोड़ा होता है तो वॉल्यूम के अंदर चेंज भी कितना होता है आपके पास स्मॉल ही होगा दैट इज डीवी ओके नाउ आपको पता है वर्क डन क्या होता है आपके पास वर्क डन क्या है आपके पास वर्क डन w इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज पी डी ठीक है चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम आप पीवी भी बोल सकते हो Now, यदि आपके पास वॉल्यूम के वर्क डन क्या है स्मॉल है तो आप क्या कर लिखोगे इसको ओके okay, यहाँ ये जो प्रेशर है आपके पास ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर तो एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हम क्या रखेंगे एक्सटर्नल प्रेशर की जगह आपके पास वैल्यू है तो आप एक्सटर्नल प्रेशर की जगह वैल्यू को रख दीजिए और आपके पास क्या आता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस डी पी दे पास क्या है डी वी ठीक है चेंज इन वॉल्यूम नाउ देखिए जो आपके पास साइंस आएगा वो क्या आएगा साइंस क्यों आता है क्योंकि यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम है ठीक है अंदर से बाहर पिस्टन को क्या किया जा रहा है धकेला जा रहा है मतलब सिस्टम ने काम किया है तो साइन नेगेटिव आएगा ठीक है तो आप इसको ओपन करेंगे इक्वेशन को तो क्या हो जाती है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी माइनस पी डीवी एंड देन आपके पास क्या बचता है प्लस डी पी एंड डीवी ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है नाउ देखिए जो ये टर्म है सेकंड वन दैट इज डीपी इन टू डी वी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम एंड स्मोल चेंज इन प्रेशर वो क्या है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है ठीक है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो आपके पास फाइनली वर्कडन जो है स्मॉल वर्कडन वो किसके बराबर आता है स्मॉल चेंज इन वर्कडन वो किसके बराबर आता है दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी ओके okay. नाउ यदि हमें ये तो आपके पास स्मॉल वर्क डन है मतलब एक सिंगल स्टेप का वर्क डन है दैट इज स्मॉल वर्क डन कब जब आपके पास पिस्टन ए पोजीशन से कहां पर गया है ए वन पोजिशन पर गया है तब यदि मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है ठीक है यदि मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है टोटल वर्क डन द सिस्टम तो टोटल डन आपके पास कैसे हो सकता है जब आप इंटीग्रेट कर दो इसको कहां से कहां तक v1 वन टू वी टू कब आएगा ये वहन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम v1 वन टू वी टू जब वॉल्यूम v1 से v2 तक जाती है तो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए पूरी इक्वेशंस को तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास क्या आएगा dw is equal to क्या आ जाएगा आपके पास minus pdv ठीक है ये आपके पास क्या आएगा dw is equal to minus pdv नाउ इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है आप इसको इंटीग्रेट करोगे v1 टू v2 दिस वन v1 टू v2 नाउ इसको जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो आपके पास क्या आता है देखिए जो आपके पास pv pv किसके बराबर होता है आपके पास आर के बराबर होता है ठीक है तो आप यहां से लिखेंगे जो आप आइडल गैसेज के लिए इक्वेशन लेके आते हो तो आइडल गैसेज के लिए जो इक्वेशन है दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ठीक है तो यहाँ से आप पी की वैल्यू यदि निकालते हो तो क्या हो जाएगी आर टी अपॉन वी ठीक है v, तो इस पी की वैल्यू को आप कहाँ पुटअप करेंगे इस पी के अंदर सेकंड जो आपके पास गिवन है वहां पर तो यही इक्वेशन क्या हो जाती है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम्स कहां से कहां तक है V1 वन टू वी ओके एंड P की जगह हमने क्या रखा आर टी अपन बाकी टर्म dV एज इट इज सेम रहेगी ठीक है ना देखिए यदि पर पे हम क्या करेंगे को जो टर्म्स है उनको बाहर ले लेंगे तो पी इक्वल टू एनआर होता है सॉरी दिस वन इज एन आर टी तो ये आपके पास एनआरटी है जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको हम बाहर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा एनआरटी दीज आर द कॉन्स्टेंट टर्म्स ओके माइनस साइन ऑलरेडी प्रेजेंट था अंदर क्या बचता है डी वी बाई वी इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू तो हम वी वन वी टू का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है दैट इज और इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपके पास क्या आएगा वी टू अपॉन वी वन ओके ये किसके बराबर आया है आपके पास W डी डब्लू जो था उसके बराबर है तो टोटल वर्क डन क्या होगा W होगा दिस वन नो डी डब्ल्यू दिस इज W तो ये आपके पास क्या हो गया टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम नाउ इसी ट्रम को यदि हमें प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम इसको कैसे इसी ट्रम को यदि हम क्या करेंगे प्रेशर की ट्रम में एक्सप्रेस करेंगे आपके पास ट्रम क्या आई है ट्रम्स आपके पास आई है टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एंड देन आपके पास आया है नेचुरल लॉग ऑफ वी टू टू V2 by V1. अब देखिए जो नेचुरल लॉग है उसके अंदर हम वैल्यूज को काउंट नहीं करते हम लॉग बेस 10 की Home में उसको काउंट करते हैं तो उसको हम सोल आउट करने के लिए क्या यहाँ पे क्या यूज करते हैं टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ओके बाकी चीजें सेम है एनआर And then आपके पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन ये वर्क डन है जब आपने वॉल्यूम के अंदर अब देखिए हम देखना चाहें प्रेशर भी क्या हुआ पी वन से पी टू के अंदर चेंज हुआ है फाइनल प्रेशर यदि पी टू है तो क्योंकि जब आप यहाँ पर वर्क देख रहे हैं एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम भी एक्सपेंड होती है और प्रेशर भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो देखिये अकॉर्डिंग टू वर्ल्स ल आप तो आइडल प्रेशर पी वन वी वन क्या होता है पी टू वी टू के इनिशियल टू फाइनल नाव यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से आपको क्या चाहिए यहाँ से वी टू बाई वी वन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर पी वन बाई

P1 है है ठीक दिस वन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन आइसोथर्मल कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है कैलकुलेट द वर्क डन वेन वन मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ

मैक्स बोल सकते हो आप और डब्लू मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी देन आपके पास क्या था लोग वॉल्यूम के अंदर चेंज है तो आप क्या लिखते थे वी टू अपॉन वी वन नाउ यहाँ देखिए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है वन आर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है गैस कांस्टेंट की 8.314 देन आपके पास क्या है टेम्परेचर देखना है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर है इसे कैलविन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 273 एंड 25 इसमें ऐड हो जाएंगे तो 892 ये आपके पास कितना हो जाता है 298 ओके okay. देन आपके पास लॉग किसका देखेंगे हम लोग ऑफ वी टू क्या है आपके पास टेन अपॉन वन तो लोग टेन क्या होता है आपके पास वन होता है ठीक है तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आता है सभी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दिस इज दिस इज माइनस फाइव सेवन जीरो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये फाइव पॉइंट सेवन जीरो किलो जूल ये आपके पास क्या आता है वर्क मैक्सिमम वर्क डन जब मैक्सिमम कब हो तब आप जब आपके पास आइसोथर्मली रिवर्सिबल एक्सपेंशन गैसेस का होता है उस टाइम